सरकारी जमीनों पर चल रहे बुलडोजर पर सियासत हुई तेज। पीडीपी की चीन द्वारा कब्जाई जमीन खाली करवाने की सलाह, सरकार पर जम्मू कश्मीर में अमीर गरीब को लड़ाने का आरोप। जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए फिर हुआ बंद। रहम पैड़ी इलाके में सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर, रास्ता साफ होने में अभी लग सकते हैं कुछ और घंटे। अफसरशाही पर एलजी को गुमराह करने के लगे आरोप। ब्लैक लिस्ट कंपनी और जेकेएसएसबी में सांठ गांठ पर बवाल। जम्मू में कई युवाओं ने प्रदर्शन कर जताया एतराज। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सरकारी व वन विभाग की जमीनें खाली करवाने के लिए जम्मू कश्मीर में जारी मुहिम पर जहां आम लोग सवाल उठा रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। पीडीपी ने इस अभियान की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से पहले चीन द्वारा कब्जाई गई जमीन को वापस लेने की सलाह दी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार हर तरह के हथकंडे अपनाकर जम्मू कश्मीर की आवाम को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई गहरी करने के बाद अब अमीर गरीब को जरिया बनाकर लोगों को आपस में लड़ा रही है। देखिए, ये एक और हथियार है। बीजेपी सरकार के पास यूएपीए, पीएसए, एनआईए एजेंसी, ईडी, ये भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, उनको घर से बेघर करने की, उनको अपरूट करने की, उनको सताने की, उनको तंग करने की, ये एक और यूएपीए समझ लीजिए ये है। अदरवाइज चाइना ने हमारे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी उन्होंने हड़प ली। उनसे तो वो छुड़ा ले ना, पहले तो घास चराए चाइना से छुड़ा ले, उसके बाद यहाँ घास चराए, तो गाँव का अपना उनका हक होता है ये। और जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अब कहते हैं अमीर गरीब, जिनके पास 10 मरले जमीन है, जिनको कल थजीवारा में, बाकी जगहों पे जहां इन्होंने अनंतनाग में, यहां श्रीनगर के अंदर, करण नगर में, बाकी जगह पे जहां इन्होंने कल डिमोलिशन किया, और इवन फॉर दैट मैटर नीडोज, ये तो आज के लोग नहीं है, ये तो बहुत पुराने महाराजा के टाइम से इनके पास जमीने हैं। तो आज अमीर और गरीब के बीच में फसाद डालना चाहते हैं कि ये जी हम अमीरों को कर रहे हैं, जो बेचारे छह छह मरले पे जिनके मकान हैं, जो तोड़े जा रहे हैं, चाहे बटंडी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे बॉर्डर का इलाका हो, तो वो कौन से अमीर लोग हैं? और ये अमीर गरीब का क्या है? पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया, उसके बाद गुजर पहाड़ी कर दिया, शिया सुन्नी कर दिया, अब अमीर गरीब के कह के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है, और मेरी गुजारिश है लोगों से, आप देखिए लद्दाख में किस तरह लोग इकट्ठे हो गए, कारगिल और लद्दाख के। जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं, उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अपने हमसाया का तमाशा मत देखो, तमाशाई मत बनो, सामने आओ और सामने खुल के बात करो। मंगलवार को आंशिक तौर पर खुलने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे आज फिर यातायात के लिए बंद हो गया है। रामबन जिले के अधीन आने वाले रहम पैड़ी इलाके में हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो गया है, जिससे यातायात पर एक बार फिर ब्रेक लग गई है। हाईवे बंद होने से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई गाड़ियां रोक दी गई हैं। इनमें से कई ट्रक ऐसे भी हैं जो कश्मीर घाटी की ओर जरूरी रसद लेकर जा रहे हैं। और तो और, हाईवे अक्सर बंद रहने से आम लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेकेएसएसबी के अधीन आने वाली परीक्षाओं को करवाने की जिम्मेदारी एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को देने के आरोप में जम्मू का युवा वर्ग अब सड़कों पर उतर आया है। इन युवाओं में वो अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो पिछले कई समय से परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जम्मू में आज इन युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की अफसरशाही उपराज्यपाल को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसका संज्ञान उपराज्यपाल को लेना होगा। अभी जांच करने की बारी थी, जांच नहीं करी, जांच को भी रोक दिया, वो जांच रोकी, उस पर कोर्ट में स्टे ले आए। ये बड़ी हैरानी की बात है, जब हम पिछले लगभग डेढ़ महीने से ये चीज़ कह रहे थे कि ब्लैक लिस्ट कंपनी है, जब कोर्ट में भी साबित हो गया कि गड़बड़ हुई है। एलजी साहब
जागो, ये जो आपको बाबू लोग बता रहे हैं या आपको गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने चोरी करी है और इल्जाम आपके ऊपर आ रहे हैं, ये अपना इल्जाम आपके ऊपर फोड़ रहे हैं आपसे। ये मैं देखो, हम लोग सबसे ये है कि हमें तो कोई चाहिए जो हमारी मदद करे, ये बाबू लोग नहीं कर रहे, आपके तक हम पहुंच नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं ये आपको गुमराह कर रहे हैं। जो चोरी इन्होंने करी है उसका ठीकरा ये आपके सर पे फोड़ना चाह रहे हैं, जैसे ये पुराने एलजी या पुराने गवर्नरों पे फोड़ते रहे हैं। बाबू लोग कपड़े होते थे, इन्हीं के चलते होते थे। जो पेपर लीक हुआ दोबारा, जो जेके पीएसआई का पेपर हुआ, जिस कंपनी ने पेपर कराया वो पेपर लीक हुआ दोबारा से, उसकी जांच नहीं कराई दोबारा। अगले जो पेपर 6, 7, 8 को इलेक्शन असिस्टेंट है, पटवारी है, ड्राइवर है, इन पोस्टों के लिए दोबारा पेपर हो रहा है, फिर से वही ब्लैकलिस्टेड कंपनी, जबकि अभी वो विचाराधीन मामला है, कोर्ट में मामला है। जम्मू के सुंजवा, भटिंडी और इसके आसपास के इलाकों के लोग आज फिर से सड़कों पर उतर आए। सरकारी जमीनें खाली करने के मिल चुके नोटिस में गुस्साए इन लोगों ने आज फिर से एक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर उन्हें बेघर करने का आरोप लगाया। इन लोगों का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है और इन लोगों ने उनसे आशियाने खाली करवाए जाने के बदले उनकी रिहाइश के लिए बंदोबस्त करने की मांग की है। खास बात यह है कि इन लोगों को अब कई सियासी दलों का समर्थन भी हासिल हो चुका है। एलजी साहब, अगर आपने हमें यहाँ से घरों से बेघर करना है तो ये बता दीजिए कि जगह हमसे खाली करा के क्या करनी है। देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि ये घर के साथ में किसी ने प्लॉट खाली कराया, जैसे आज तक देखते रहे हो, जेडीए ने करवाया, म्यूनसिपलिटी ने कराया, किसी ने कराया, तो उसमें लोग गंद डालते हैं। अगर वो आपको शहर पूरा गंदा बनाना है, उसके लिए करना है, तो एक अलग तरीका है। या दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि जैसे इनका बहुत सा बार ये निकल के आया था कि हम 50 पार जाएंगे, बाहर से लोगों को लाके बैठाएंगे और बहुत बड़ा शोर शराबा यहाँ पर, 25 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है बाहर से, सबको हम हक देंगे यहाँ पर वोटिंग का, तो वो जो लोग बाहर से इनको वोट देने वाले जो लोग उठा के लाने के, उनको बसाने के लिए यहाँ पर जगह बनाई जा रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सीनों पर गोलियां खाई हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लोग खोए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने गल मिलिटेंटों के हाथों जलवाए हैं और यहाँ पर आके बैठे हैं। तो अगर इनको इस तरीके से आप खदेड़ के यहाँ से और यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की और इस तरीके की चीजें बनाएंगे, तो हम इसको बिल्कुल कतन सिरे से खारिज करते हैं और ये कभी जिंदगी में हम होने नहीं देंगे। ये हमारी लाशों पैसे गुजर के ये होगा, उससे पहले तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सरकार हमें कहती है कि हमने जो हमारा जिगर है, जो हमारा दिमाग है, हम कहते हैं जो जिगर भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, जो इन्होंने हमें जागीर का टुकड़ा बना दिया है, एक जागीर का टुकड़ा बना दिया है और उस जागीर को काट काट कर खा रहे हैं। हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो इनको पसंद नहीं, हमारी जमीन खाली पड़ी हुई वो इनको पसंद नहीं, आखिर इतना झूठ क्यों है? हम इसको बिल्कुल मजम्मत करते हैं, इसका कंडेम करते हैं और आवाज देते हैं एलजी प्रशासन को कि फौरी रेगुलराइज किया जाए और किसी को बेघर ना किया जाए और तोड़फोड़ वाला काम छोड़ दिया जाए जो जनता के खिलाफ है। सरकारी जमीनें खाली करने के नोटिस दिए जाने के बावजूद कई लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रियासी जिले की पावनी तहसील में कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है, जहां वो लोग भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करते हुए पक्के ढांचों का निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें पहले से ही जमीनें खाली करने के नोटिस दिए जा चुके हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब पीला पंजा चलने लगा है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। जिला प्रशासन कठुआ ने सरकार के आदेश के बाद स्टेट और फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम तेज कर दी है। इस मुहिम के तहत जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर करीब 733 कनाल सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नियुक्त किए गए कश्मीरी पंडित विस्थापित सरकारी मुलाजमों के आंदोलन को आज 270 दिन पूरे हो गए। इन मुलाजमों ने आज भी जम्मू के रिलीफ कमिश्नर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए कश्मीर में हालात सुधरने तक उन्हें जम्मू के सुरक्षित इलाकों में तैनात करने और उनका वेतन जारी करने की मांग की है। एक था जो मई 12 को वहां पे टारगेट किलिंग हुई और उससे पहले टारगेट किलिंग्स का दौर चालू रहा। लगातार हम ये सरकार को बता रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ ऐसे मेजर्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस वापस आए कि हम वहां पे काम कर पाएंगे। लेकिन जो हालात मई 12 के पहले थे वही हमें आज भी नजर आते हुए, हमें अंदर से कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। यहाँ
कोई एक टॉप मैनेजमेंट से ऐसी कोई बात नहीं आ रही है कि जिसमें हम ये कॉन्फिडेंस गेन कर सके कि हम घाटी में जाके अपनी सेवाएं रिज्यूम कर सकें। डिमांड हमारी यही थी कि जब तक हम लोग अपना सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप कर पाते हैं तब तक आप हमारी सेवाएं जम्मू से यूटिलाइज कीजिए। हाँ, हमारी मुश्किलें बहुत बढ़ गई है, तनख्वाहें बंद हैं, शिवरात्रि आने वाली है, मानते इस बात को, लेकिन गवर्नमेंट को भी एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जिसने 6 महीना 7 महीना सैलरी के बिना निकाला उसके लिए कुछ और चीज इम्पोर्टेंट थी, उसके लिए इम्पोर्टेंट थी लाइफ। हाँ, वो नेशनल पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, लेकिन उधर पे एक ह्यूज डिफरेंस है एक सुसाइड और सेक्रीफाइस में। कृपया इन दोनों कॉम्प्रिहेंशन को बड़ा क्लियरली समझ लीजिए। डोगरा सदर सभा ने जम्मू कश्मीर में सेवाएं देते हुए वीरता पुरस्कार अपने नाम कर चुके योद्धाओं और शहीद परिवारों को दी जाने वाली माली इमदाद बढ़ाने के केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार का आभार जताया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने इन वीरों और शहीद परिवारों को ये सौगात देने के लिए केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को तहे दिल से शुक्रिया किया और बताया कि डोगरा सदर सभा इस मांग को लेकर पिछले काफी समय से जद्दोजहद कर रही थी। डोगरा सदर सभा की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने बड़ी दरीना मांग को हमारी को कुछ हद तक पूरा किया है। एक तो एनुटी जो है ये तकरीबन 50,000 रुपया हमारे योद्धाओं की हमारे उन वीरों की और बढ़ा दी है, और दूसरा जो विधवाएं रह जाती हैं जो परिवार रह जाते हैं जिनके लोग अपनी जानें कुर्बान की उन्होंने इस स्टेट पर भी की, उनको जो एक्सग्रेशियर लीव थी बहुत कम थी और 5 लाख थी, तो हमने मांग की थी कि इसको बढ़ाओ बाकी देश के बराबर लाओ, तो कम से कम 25 लाख वो हो गई है। हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं, आपके माध्यम से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम, और साथ ही मांग करते हैं कि इनको अभी भी उठाओ पूरे देश के बराबर लाओ। बिश्ना की कन्हाल पंचायत के एक शिष्टमंडल ने तहसीलदार बिश्ना सोहनलाल राणा से मुलाकात की और उन्हें बुढ़ापा पेंशन हासिल करने में लोगों को आ रही परेशानी से अवगत करवाया। शिष्टमंडल की अगुवाई कर रहे सरपंच जितेंद्र सिंह ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा पेंशन को लेकर जो नई औपचारिकताएं निर्धारित की गई हैं उन्हें पूरा करना बुजुर्गों के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन बुजुर्गों की पेंशन लग चुकी है उन्हें इन औपचारिकताओं से मुक्त किया जाए। सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी ने एक आर्डर निकाला है कि जो लोग फिर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे, अपना डोमिसाइल देंगे, एफिडेविट एक दें और फिर इनकी पेंशन जो है कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो इनकी पेंशन बंद हो जाएगी। जब इन्होंने सर्टिफिकेट दिया था तो उस वक्त 60 साल में इनकी पेंशन लगी, तो अभी 90 साल पहुंच गए हैं, तो अभी क्यों आप इनको तंग कर रहे हो? अभी ये कहाँ जाएंगे तहसीलदार साहब के पास एफिडेविट बनाने के लिए? ये कहाँ अभी डॉक्टरों की पौड़ियाँ चढ़ेंगे हॉस्पिटल की? डॉक्टरों में भी अफरा तफरी पड़ी हुई है, 1,000 इनको पेंशन मिलती है तो ऊपर से ये तंग करना शुरू हो गए हैं। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिनकी पेंशनें लगी हैं उनकी फॉर्मेलिटियाँ कैंसिल करिए, जिनकी न्यू लगानी है उनके लिए ये फॉर्मेलिटियाँ मांगिए। जम्मू यूनिवर्सिटी में मंगलवार को शुरू हुआ कला और संस्कृति के अनूठे संगम यानी 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल के तहत आज भी कई गतिविधियां जारी रहीं। अंतरनाद नाम के 5 दिवसीय इस यूथ फेस्टिवल के दूसरे दिन आज रंगोली व शास्त्रीय संगीत सहित कई अन्य गतिविधियों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। यूथ फेस्टिवल में देश के 18 विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल 18 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आई हैं, बट रंगोली कंपटीशन में इस समय 15 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भाग ले रही हैं और बहुत अच्छी बच्चों की पार्टिसिपेशन है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, बहुत बढ़िया रंगोली बनाई है। इनकी थीम फोक और स्पिरिचुअलिटी पे है, मैं मतलब स्तब्ध हूँ सच बोलूँ तो, इतना अच्छा बच्चों ने प्रेजेंट किया है रंगोली वाकई। आयकर भरने से ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है और इससे ही हमारा देश विकास की बुलंदियों को छू सकता है, इसी संदेश का प्रचार प्रसार आज जम्मू में कई लोगों ने सड़कों पर निकलकर जनता तक पहुंचाया। मौका था स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित वॉकथॉन जिसकी शुरुआत आज जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ अरुण कुमार मेहता ने डिपार्टमेंट की कमिश्नर डॉ रश्मि सिंह की मौजूदगी में की। इस वॉकथॉन में आम लोगों के अलावा कई स्टूडेंट्स ने भाग
बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए आम लोगों से आयकर भरने की अपील की, ताकि हर कोई एक कदम विकास की ओर बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। लोग अच्छे टैक्स पेयर बने और अपने सर्विसेज का अधिकार से लें और ऐसी चीजें अवॉइड करें जिससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो सबके लिए अच्छा संदेश है, सबको टैक्स पे करना चाहिए और एक अच्छा सिटीजन बनना चाहिए। स्टूडेंट्स भी बहुत आए हैं और जो कि IIM से भी आए हैं, हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी से आए हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के स्टूडेंट्स हैं। तो उनको भी हम लोगों ने यही अपील किया है कि आप भी इस बात को दूर तक लेकर के जाओ कि कैसे सबकी जिम्मेदारी बनती है और सबका एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ताकि जो हम प्रोग्रेस की बात करें, मार्च टूवर्ड्स प्रोग्रेस की हम बात करें, उसमें एक एक व्यक्ति का कॉन्ट्रीब्यूशन। जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत जम्मू के प्रसिद्ध बागेबहू में लेजर लाइट शो के साथ ओपन सिनेमा की व्यवस्था की जा रही है। इसकी जानकारी पर्यटन विभाग के डायरेक्टर जम्मू विवेकानंद राय ने जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इसके अलावा बागेबहू में पर्यटकों को और क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसको लेकर डायरेक्टर टूरिज्म का क्या कहना था, आइए वो भी देखते हैं। सबसे बागेबहू का लेजर शो, उसमें हम लोगों ने कुछ अपग्रेडेशन की है, कुछ वैल्यू एडिशन किया है, क्योंकि अभी तक वो जो इवेंट था वो शाम को होता था और शाम के दो शो चलते थे, दिन भर वो प्रॉपर्टी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं था जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट थी सरकार की। तो उसको अभी हम लोगों ने आउटसोर्स किया है PPP मोड में, कि एक प्राइवेट पार्टी को हमने हायर किया है जिनको वो टेंडर अलॉट हुआ है। अब दिन भर की एक्टिविटी कुछ न कुछ वहां चलती रहेगी, कि जैसे सर्दियों में और ठीक ठाक जब मौसम में, हमें लगता है जम्मू में 7-8 महीने ऐसे रहते हैं, 8-9 महीने जब गर्मियां पीक पे रहती है उनको छोड़ के, कि टूरिस्ट लोकल लोग यूथ उस बागेबहू में पिकनिक स्पॉट की तरह होता है, यूज होता है। तो अभी हमारे लेजर शो के साथ साथ वहां पे एक मल्टीप्लेक्स सिंगल प्लेक्स लगाया गया, जिसको एक्वाप्लेक्स जो वाटर बॉडी के ऊपर लगा हुआ है, वो एक्टिविटी रहेगी। और सुबह मतलब आइडली 10-11 बजे के बाद से शाम तक कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रहेगी कि लोग आके वहां फोटो सेशन कर सकते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं अपने किसी थीम पार्टी के लिए या कुछ इस तरीके से। और शाम को लेजर शो चलेगा, उसके बाद रात में फिल्मों के शो रहेंगे जो उस हमारे एक्वाप्लेक्स सिस्टम पे चलेंगे, जिसमें हम रीजनल सिनेमा जो हमारे डोगरी या लोकल जो हमारे सिनेमा उनको भी हम प्रमोट करेंगे, साथ साथ जो सेलिब्रिटी सिनेमा होता है जो बॉलीवुड हो सकता है, हॉलीवुड हो सकता है, उसको भी उस पर भी हम करेंगे। बिश्नाह के रतनाल में बीती रात एक कार नहर में गिर गई। इस हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान रजत शर्मा पुत्र अशोक कुमार निवासी फतवाल, राहुल कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी चुबिया पंडिता के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद वापस घर जा रहे थे, इस दौरान कार चालक के नियंत्रण से बाहर होकर नहर में गिर गई। वहीं पुलिस ने मामले में अपनी छानबीन शुरू कर दी है। विस्थापित कश्मीरी सिख कॉन्फ्रेंस ने सरकार से अपनी सजा पूरी कर चुके सियासी सिख बंदियों को रिहा करने की मांग की है। इस संबंध में जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले केंद्र सरकार ने इन बंदियों को रिहा करने का वादा किया था, लेकिन वर्ष 2022 में सरकार अपने वादे से मुकर गई थी। जो बंदी लोग रखे गए हैं 1995 या उससे पहले के, वो अपनी जेल टर्म पूरी कर चुके हैं, तो 30-35 साल से जेलों में है, जो एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। भारत सरकार ने पंजाब के लोगों के साथ 2020 में वादा किया था कि हम इन लोगों को जल्दी से जल्दी रिहा करेंगे जिनकी जेल टर्म्स पूरी हो चुकी हैं। तो लेकिन फिर 1922 में भारत सरकार ने कहा कि ये रियासत जो है पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हो सकता है इसके हालात ठीक ना रहें इनको छोड़कर, लेकिन हम उस चीज को मानते नहीं हैं। हमारी 4 रियासतें
पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर हैं, जब उन रियासतों में कोई खराबी नहीं हो रही, कोई मिलिटेंसी नहीं है, तो पंजाब में क्यों हालात खराब हो? जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू शहर के विभिन्न इलाकों में फुटपाथों का निर्माण कार्य चल रहा है। कई इलाकों में ये काम पूरा भी हो गया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कुछ आरोप जम्मू के तलातलो बोड़ी इलाके में रहने वाले लोगों ने भी लगाए हैं। लोगों के मुताबिक सरकार द्वारा पैदल चलने वालों के लिए बनाए फुटपाथों पर दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी वालों ने कब्जा जमा लिया है, जिसके कारण लोगों को सड़कों पर पैदल चलना पड़ता है और आए दिन कोई पैदल चलने वाला हादसे का शिकार हो जाता है। लोगों ने प्रशासन और जम्मू नगर निगम से इन फुटपाथों का दुकानदारों के कब्जे से मुक्त करने की मांग की है। ये खाली होने चाहिए, जो फड़ी शड़ी लगती है तो लोगों को आने जाने वालों को तकलीफ होती है। ये जो सब्जी वाले या दुकानदार आगे सामान लगाते हैं, इनको वो करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो बाइक वगैरह चलती है, मेटाटोर वाले लोग होते हैं, उनको आने जाने में तकलीफ होती है, तो इनकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। लगता है कि जो एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी वजह है, एक्सीडेंट हो रहे हैं ये फुटपाथ, लेकिन फुटपाथ का कोई भी फायदा जो है हम लोगों को नहीं है ना, क्योंकि पहले से ही वो कवर है। कुछ सब्जी वालों ने लगाए हुए हैं फड़ियाँ, कुछ दुकानदारों ने सामान रखा हुआ, तो फुटपाथ तो कवर है ना, वो खाली होने चाहिए ना। क्या मांग करेंगे कि कुछ ऐसी इनको, हाँ इनको पनिशमेंट होनी चाहिए कि एक बार हो जाए तो फिर दोबारा तो नहीं करेंगे ना, ये खाली होना चाहिए। मैं कॉर्पोरेशन से यही कहूँगा आपके माध्यम से कि आपने करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट जम्मू स्मार्ट सिटी को दिए हैं, जम्मू के लोगों के फ़ायदे के लिए दिए हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोगों को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, क्योंकि हर जगह क्रोचमेंट हुई है, कहीं दुकानदारों ने, कहीं रेडी फड़ी वालों ने, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने क्रोचमेंट की हुई है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सरकार को और कॉरपोरेशन को चाहिए कि वो सख्त से सख्त कदम उठाएं। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।